स्टूडेंट्स, मैं स्नेहा द्विवेदी आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेके आई हूँ जो कि है बी से 054 का ही न्यूमेरिकल टेक्निक का। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पेपर मैं डाल चुकी हूँ वो है दिसंबर 2017 का। ओके, आज मैंने किया है दिसंबर 2013 का। मैंने सोचा आप के लिए ये भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि हमें एक सोल्यूशन कहीं भी नहीं मिलता है। मैं भी बहुत फेडअप हो गई थी जब मैं ये कर रही थी एंड मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए सेम उसी की तरह है, सारे रिपीटिंग है और ध्यान से देख लीजिए। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे प्लीज़ टाइमली जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बता दीजिएगा ताकि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँ। मैं इसके अलग से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ सोल्यूशन मैंने इसके प्रोवाइड किए हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत कम टाइम है और आप लोग के एग्ज़ाम बहुत नियर है इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन इनका प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइए सो डैट मैं आपको उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करूँ। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताती जाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर उसके दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में है, बट अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए। ओके, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए इसका वीडियो बना दूंगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे भी है, देख लीजिएगा। ओके, चॉपिंग कैसे यूज़ करते हैं वो सब है, वीडियो भी देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स डाल दूंगी, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ टू फ्लोटिंग नंबर्स, जैसे इन दोनों नंबर्स के हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, सम निकालना है। और वो भी आपको पता है कैसे निकाला जाता है, मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वाले पहले मेरी वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, उन वीडियोस में सारा सोल्यूशन है। अगर आप वो देख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो डाली हूँ, नेक्स्ट टाइम में मैं क्वेश्चन नंबर 2 की भी वीडियो डालूंगी। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो डाली हूँ। ये इसका सी पार्ट है। देखिए सी पार्ट में हमें क्या कहा है, जो क्वेश्चन अभी दिए थे उसका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो इसके मल्टीप्लीकेशन का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में आप अप्लाई कर देंगे तो आपका इसकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। और उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे चॉपिंग का यूज़ करती है, चॉपिंग मेथड जो होता है उसका यूज़ करके मैंने ये वैल्यू फाइंड कर दिया है। ओके, क्योंकि चॉपिंग में क्या होगा, हमें इसमें से ही कुछ डिजिट्स हटा देते हैं, राउंड ऑफ करते हैं इसको और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। ओके, एंड डी पार्ट में ओवरफ्लो के इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवरफ्लो क्या होता है उसका एग्जांपल दिया है। ओके, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन में आ गया ओवरफ्लो से रिलेटेड तो आप इजीली देख लें और इस तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए मैंने थियोरेटिकल पार्ट भी डाल दिया है। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है मल्टीप्लीकेशन में कि ओवरफ्लो कब होता है, किस केस में ओवरफ्लो होता है, वो केस ये है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखिए ओवरफ्लो किस केस में होता है, जब हमारा 99 से ऊपर एक्सपोनेंट चला जाता है। मैं आपको बता भी देती हूँ, 99 से ऊपर जब एक्सपोनेंट चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, ओवरफ्लो का केस हो जाता है। जब 99 से कम होता है तो हमारा अंडरफ्लो का केस हो जाता है। ओके, तो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है द एक्सपोनेंट प्लस 0102, अगर माइनस में 102 है तो कौन सा केस होगा, अंडरफ्लो, क्योंकि माइनस डिजिट क्या होती है, 99 से कम होगी तो इसलिए अंडरफ्लो केस होगा। और जब ये 99 से अबव होता है तो क्या होता है, हमारा ओवरफ्लो का केस होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या कहा, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इट इज़ वेरी इजी, बहुत ईजी है, इस तरीके से मैंने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कर दिया। अब इसका एफ पार्ट भी है, यहाँ पे एफ पार्ट में ये गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था तो ये कर दिया। देखिए गॉस एलिमिनेशन में मेथड में आपको पता है कि जो डायगोनल होता है, डायगोनली पार्ट के नीचे जो ये होता है इसको हम ज़ीरो बनाना होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको ज़ीरो बना दिया और उसके बाद इसका ये सोल्यूशन है। ओके, एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड यहाँ पे मैंने वाई की वैल्यू फाइंड करी है और एक्स की भी वैल्यू यहीं पे फाइंड आउट कर दी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, क्वेरी है या आप चाहते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़
प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइए और टाइमली बताइए, क्योंकि वीडियोस बनाने का मेरे पास टाइम कम होता है, बट फिर भी आई वांट टू हेल्प यू ऑल और मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ. ओके, एंड ये जी पार्ट इस तरीके से हमें बोला है इंटरवल, फाइंड द इंटरवल. ओह सॉरी, इट इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है, प्लीज़ इसको मत देखिएगा. आई एम जस्ट कटिंग इट डाउन. मैं इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली दूंगी. ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें बोला है मेथड, बाइसेक्शन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए. तो यहाँ मैंने पूरा बाइसेक्शन मेथड एक्सप्लेन किया, उसके स्टेप्स हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर. इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है. ओके, ये है बाइसेक्शन मेथड, ये भी बाइसेक्शन मेथड का पार्ट है. ये इसके स्टेप्स हैं, ये इस तरीके से 4 स्टेप्स है. ओके, एंड उसके बाद हमें बोला है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन को हमें डेराइव करना, ऑपरेटर, इनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं एफ एक्स की फॉर्म में. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया एफ एक्स के फॉर्म में इनके इन ऑपरेटर्स को इस तरीके से. ओके, एंड इसके बाद हमारा है आई देन जे, जे पार्ट ये रहा. देखिए हमें इसमें बोला राइट दिस इनवर्स डेल्टा और दिस डेल्टा, स्मॉल डेल्टा को किसके फॉर्म में करना है हमें, ई के फॉर्म में, ई मतलब शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर के फॉर्म में करना है. तो ये इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको समझ लीजिएगा. अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, वैसे ये मैंने क्वेश्चन पेपर ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा. ये के पार्ट है, के पार्ट में क्या पूछा है, सिंपल फार्मूला पूछा है, स्टेट, स्टेट करना है मीन्स लिखना है. तो मैंने न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला लिख दिया और बेसिल्स फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन करता है, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है, आप लिख सकते हैं. ओके, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी. और ये डिफरेंशिएबल कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें बैकवर्ड अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस से करना है तो नीचे वाले से ऊपर को लेस करते जाते हैं, और अगर बैकवर्ड में कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे को लेस करते हैं बैकवर्ड में. ओके, इस तरीके से. अब ये सैमसन रूल का हमारे हमें फार्मूला कहा था, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है. यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन और IVP इन दोनों को हमें बोला है, इन दोनों को डिफाइन करने के. तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको दोनों को किया हुआ है, आप देख लीजिएगा. अगर इसका कुछ पार्ट नहीं आ रहा है तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर उसमें है, तो वहाँ से आप IVP का देख के लिख लीजिएगा. ओके, एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग. आप जितना लाइक्स करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस, उतना मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी. थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.